तो बच्चों, हमारा ये जो पाठ चल रहा है विद्युत धारा, और विद्युत धारा में आज हम लोग इसके विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं, पहला एक प्रभाव हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रासायनिक प्रभाव। आपको दिखाया था रासायनिक प्रभाव किस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं, पहले ही ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं। आज हम आपको सिखाएंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, हीट किस तरीके से जनरेट होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना जरूरी है। आप लोगों को दिखाता हूं मैं एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई दिख रही है। ये बहुत सारे हमारे पास रखे हैं, ये रेड ब्लू है ना, ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, अलग अलग तरीके के ये रखे हुए हैं। और इस डिवाइस का जो नाम है बच्चों, इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना। तो ये क्या करता है, ये विद्युत धारा को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। और विद्युत धारा को जब ये रोकता है, तो जब किसी चीज के बीच में रुकावट पैदा हो जाती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरीके की ऊष्मा प्रोड्यूस हो जाती है ना, ऊष्मा प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, उसी हीट के कारण हमारे घरों में यूज होने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर काम करते हैं। जैसे आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल कैटल, आपने देखा होगा केतली आती है, उसमें पानी रखते हैं, स्विच लगाते हैं, गर्म हो जाता है ना। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर भी होता है हमारे घरों में, है ना, हीटर में खाना वगैरह आप लोग बनाते होंगे। इसी तरीके से हमारे घरों में इलेक्ट्रिक रोड भी होती है, जिससे पानी गर्म करा जाता है ना, सर्दियों का मौसम में। एक इलेक्ट्रिक हीटर वैसे भी आते हैं जो सर्दियों में, ब्लोअर वगैरह, एक आते हैं स्ट्रेटनर आते हैं, गर्ल्स वगैरह यूज करती हैं, है ना। और एक जो है आपके आते हैं क्या नाम है, ब्लोअर आते हैं, बाल वगैरह सुखाने के आते हैं। तो ये सारी चीजें ऊष्मा प्रभाव के कारण ही यूज में आती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऊष्मा प्रभाव क्यों होता है और कैसे होता है। हमारे पास है एक जनित्र, यानी कि जनरेटर छोटा सा, और इसके मदद से हम जो है कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि किस तरीके से ऊष्मा प्रभाव जो है होता है हमारा होता। जनित्र। और अब जब जैसे ही मैं इस जनित्र को स्टार्ट करूंगा और चलाऊंगा, तो आप देखिएगा बल्ब जल रहा है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, जलता हुआ दिखा होगा बल्ब आपको, तो यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये विद्युत धारा, बल्ब का सॉकेट हम हटा देते हैं और यहां पर दो बनाना क्लिप लगाते हैं, ब्लैक वाले में ब्लैक और रेड वाले में रेड, दोनों में हमने यहां पर बनाना क्लिप्स लगाए। और ये बनाना क्लिप्स को आपको क्या करना है, आपको सबसे कम, यानी कि जैसे हमने लिया 5 ओम, इस पे लिखा भी है 5 ओम, तो ये 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये इसकी पावर है एक तरीके से, कि ये 5 ओम का, 10 ओम का, 15, 20 इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो हमने 5 ओम के रेजिस्टेंस को यहां पर लगा दिया, यानी कि अभी जो वैद्युत धारा इस बल्ब के अंदर जा रही थी, अब वो वैद्युत धारा इस ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगी। अब हम जब इसको चलाएंगे तो क्या होगा, अब जब हम इसको चला रहे हैं तो थोड़ी देर चलाने के बाद क्या होगा, ये हल्का हल्का सा गर्म होना शुरू होगा और इसके अंदर एक तरीके की हीट जो है वो बच्चों प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। निकले, इधर आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। अब हमने थोड़ी देर ये चला लिया है, निकल इसको टच करो, कुछ गर्म आ रहा हो, हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है, जी बिल्कुल, अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो हल्का हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है, पर ये बहुत हल्का गर्म हो रहा है, क्योंकि यानी कि ये विद्युत धारा को बहुत कम रोक रहा है, ये 5 ओम का है। अगर इसकी जगह मैं यहां पर 20 ओम का यूज करूं, 10 का यूज करूं पहले, फिर 20 का यूज करूं, अलग अलग यूज करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा हीट हो जाएगा। चलिए, अब हमने इसकी जगह जो है और ज्यादा बड़ा, यानी कि 20 ओम का एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा लिया है, और थोड़ी देर इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित करने के बाद इसको देखेंगे कि ये कितना ज्यादा गर्म होता है। अब आप इसको टच करो, गर्म होना शुरू हो गया, उससे ज्यादा गर्म है। अब देखिए, हमने ये 20 ओम का लगाया था, अब ये 20 ओम वाला जो है उससे ज्यादा गर्म हो रहा है, यानी कि जितना पहले वाला गर्म हो रहा था उससे ज्यादा, अब जो है ये वाली स्प्रिंग जो है आपको और ज्यादा, उससे ज्यादा गर्म दिख रही है।
अगर मैं इस 20 वाले को भी हटा के इससे बड़ा, अब ये बड़े का मतलब मैं क्या है आपको ये भी बताता हूं। देखो बड़े और छोटे का मतलब यहां पर ये है कि जितना लंबा तार इसके अंदर होगा। देखो यहां पर कितने कम चक्कर हैं, देखो 5 वाले में कितने कम चक्कर हैं और 20 वाले में उससे ज्यादा चक्कर हैं। और अगर मैं और बड़े की बात करूं तो ये देखिए इसमें तो चक्कर कितने ज्यादा हैं, दिख रहे हैं सब बच्चों को? Yes, इधर देखो कितने ज्यादा चक्कर है ना, कितने ज्यादा इसके अंदर राउंड है, ध्यान से देखो, है ना। और इस वाले को देखो, 5 वाले को देखो, कितना अंतर है दोनों में, इधर भी देखो आप लोग भी देखो, है ना। इसमें बहुत कम चक्कर है, इसमें ज्यादा चक्कर है, यानी कि तार की लंबाई इसकी कम होगी, इसकी तार की लंबाई ज्यादा होगी, यानी कि इसमें धारा जो है ज्यादा देर रुकेगी, धारा इसमें ज्यादा रुकेगी। तो जब इसमें ज्यादा रुकेगी तो इसी में ही लगा के देखते हैं। इसका इस पे लिखा नहीं है ये कितने ओम का है, पर जहां तक है देखने में जो लग रहा है कम से कम 50 ओम के आसपास का ये होगा, क्योंकि इसके अंदर चक्कर बहुत ज्यादा है। तो अब इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे, पकड़ लो बेटा इसको, अब ये जो लगभग 50 ओम का जो है इसके अंदर धारा प्रवाहित हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिएगा ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि अब तार बहुत लंबा हो गया है, इसके अंदर धारा सबसे ज्यादा प्रवाहित होगी। करो और अगर हम इसको अब टच करके देख रहे हैं तो बच्चों ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म आपको लग रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग सबसे ज्यादा गर्म हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये स्प्रिंग, देखो ध्यान से कि ये कितनी कम कम जगह के गैप है इसमें, यानी कि इसके अंदर जो टर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। बात समझ में आई? तो बच्चों ये था हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा जब भी किसी इस तरीके के रेजिस्टेंस के अंदर से होके गुजरती है तो वो क्या करती है, एक ऊष्मीय प्रभाव स्थापित कर देती है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। समझ आया सबको? Yeah!